बिहार को चौथा एक्सप्रेसवे मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक नॉर्थ बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। गोरखपुर को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाली डायरेक्ट रोड की कमी के चलते दोनों शहरों के बीच के डिस्टेंस को कवर करने में लगभग एक दिन लग जाता है। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट नॉर्थ बिहार से गुजरने के साथ प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच लगने वाला टाइम और डिस्टेंस को कम करेगा। नया एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी पहुंचने से पहले गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज से होकर गुजरेगा। यूनियन मिनिस्टर ने पहले ही 310 किलोमीटर के अमास से दरभंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे का नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है और झारखंड के साथ बॉर्डर के पास साउथ बिहार में अमास को नॉर्थ बिहार में दरभंगा से जोड़ता है। लक्सोल से कोलकाता होते हुए पटना के लिए एक और एक्सप्रेसवे का अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA के पास पेंडिंग है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने पहले ही इस मेगा प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पटना के रास्ते रक्सोल से कोलकाता एक्सप्रेसवे नॉर्थ बिहार से बंगाल तक गुड्स की फास्ट मूवमेंट फैसिलिटेट करेगा। ये एक्सप्रेसवे नेपाल में उन एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतरीन साबित होगा जिनकी कोलकाता और हल्दिया पोर्ट्स तक हाई स्पीड एक्सेस होगी। प्रेजेंट में भारत नेपाल बॉर्डर पर सिचुएटेड रक्सोल से नेशनल हाईवे 28A से कोलकाता तक जाने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। प्रपोज्ड किया गया 8-lane एक्सप्रेसवे ट्रेवल टाइम को केवल 8 घंटे या उससे भी कम कर देगा। साथ ही बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का डिटेल्ड प्रपोजल तैयार कर लिया गया है और इसके प्रपोज्ड अलाइनमेंट को भी फाइनलाइज्ड कर दिया गया है। 350 किलोमीटर के बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है और ये वेस्ट बिहार में बक्सर को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बिहार बंगाल बॉर्डर के पास ईस्ट बिहार से जोड़ेगा। आपका इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।